दोस्तों, मुझे अक्सर कमेंट आता रहता है मेरे चैनल्स पे जो वीडियोज़ है उस पर कि संजय भाई, मेरे पास रेडमी नोट 10S है, मेरे पास रेडमी नोट 10 प्रो है, मेरे पास रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स है और उसमें जो है इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है। संजय भाई, कोई आप ऐसा सेटिंग्स बताइए जिससे कि जो है मेरे फ़ोन में बहुत ज़्यादा इंटरनेट स्पीड हो जाए, क्योंकि आपने अपने चैनल पर बहुत सारा रेडमी मोबाइल के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, तो ज़रूर से एक बार जो है रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स सीरीज पर भी आप एक बार बना दीजिए। तो दोस्तों, मैं आप ही सबका कमेंट पढ़ता हूँ, उसी को मैं पढ़ने के बाद में वहाँ से टॉपिक ऐसा निकालता हूँ जिससे आपको हेल्प हो पाए। तो अगर आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो अपने Redmi Note 10 सीरीज मोबाइल के किसी भी डिवाइस में, तो आपको मैं बहुत ही कमाल कमाल का सेटिंग्स बताने वाला हूँ जिससे आप अपने Redmi Note 10 सीरीज मोबाइल में जो सेटिंग्स मैं आपको बताऊँगा उसको करने के बाद में इंटरनेट का भरपूर मज़ा ले सकते हो, फुल स्पीड में आप चला सकते हो। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखना है, और वीडियो अगर आपको आगे देखने के बाद में पसंद आए तो आप उसके बाद लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद ही आप सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है संजय शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। दोस्तों, मैं आपको नेटवर्क प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत सारा सेटिंग्स तो बताऊंगा ही, लेकिन मुझे एक कमेंट ये भी आता रहता है कि संजय भाई, मेरे फ़ोन में जब मैं इंटरनेट चलाता हूँ तो ऊपर मुझे मीटर शो नहीं करता है, तो मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाऊंगा। आपको मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ, अगर आपको पहले से पता है तो बहुत अच्छा, लेकिन नहीं पता है तो देख लीजिए कहाँ से ये ऑन ऑफ होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, टाइम लिखा हुआ है, यहीं पर आपको एक नेटवर्क स्पीड देखने को मिलेगा कि आपके फ़ोन में कितना ज़्यादा स्पीड चल रहा है। तो उसके लिए आपको सेटिंग्स में आना है, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर पर क्लिक करना है, फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे ना यहाँ पे स्टेटस बार का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे शो कनेक्शन स्पीड का एक बटन ऑफ देखने को मिलेगा, इसको सिंपली ऑन कर देना है। तो यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे 0.0 के भी अभी दिख रहा है, मतलब यहाँ पे स्पीड अब देखने को मिल रहा है। जैसे आप डाउनलोडिंग कुछ करोगे तो आपको स्पीड यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। तो बस ये मैंने आपको छोटा सा बता दिया, क्योंकि मुझे जो इस पर कमेंट आता रहता है बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें आपको मैं मेंशन कर दूँ। अब आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आप अपने फ़ोन में रेडमी नोट 10 सीरीज मोबाइल में इंटरनेट को फास्ट कर सकते हो। सबसे फर्स्ट सेटिंग में आपको बता देता हूँ और सबसे लास्ट तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम में हो, आपका बिल्कुल ही स्पीड नहीं चल रहा है, तो लास्ट में मैं आपको बहुत ही कमाल का एक चीज़ बताने वाला हूँ जिससे आप बहुत ज़्यादा फास्ट कर लोगे। देखिए, सेटिंग्स में आने के बाद में सबसे पहले सिम वाले प्रॉब्लम को ही सॉल्व करेंगे। सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक कर लेना है, उसके बाद आपको उस सिम को सिलेक्ट करना है जिसपे आप इंटरनेट का मजा लेना चाहते हो फुल स्पीड में। तो मान के चलिए मैं इस एयरटेल पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद आपके सामने यहाँ पे एक्सेस पॉइंट नेम्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और अगर आपने कोई न्यू APN क्रिएट किया है तो कोई बात नहीं, ठीक है, सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ से रिसेट कर देना है। और रिसेट करने के बाद में यहाँ पे डिफॉल्ट APN आपको देखने को मिलेगा, उसके सामने एक एरो मिलेगा, तो आपको सिंपली एरो पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, एक ऑप्शन आपको मिलेगा बियरर पे क्लिक करके यहाँ से इसको अनटिक करना है, और जितने भी सारे नेटवर्क है आपके फ़ोन में जो भी शो हो रहा है सबको यहाँ से टिक करके सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, चलिए मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, जितना भी सारा नेटवर्क हो सबको सिलेक्ट करके ओके पे दबा देना है, ओके करना है, और यहाँ मोर के बटन पर क्लिक करके इसको सेव कर देना है। बस इतना करना है, यहाँ का काम खत्म है। अब आपको मैं नेक्स्ट बताता हूँ, तो सिम वाले का ही मैं प्रॉब्लम पहले सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बैक आना है और यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना है, एक एडवांस सेटिंग्स ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे एक डाटा रोमिंग का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके इसको आपके फ़ोन में अगर नेबल होगा तो ऑलवेज कर दीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। अगर आप रोमिंग में चले जाते हो तो आपका इंटरनेट जो स्लो होता है वो फास्ट ही रहता है, अगर आपके फ़ोन में नेबल होगा तो ऑलवेज कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से बैक आना है, बैक आने के बाद में फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, अगर आपके पास जो सिम कार्ड है जिस पर आप इंटरनेट चला रहे हो उस पर क्लिक करके यहाँ पे एक यूज बुलटी का ऑप्शन होगा, ये आपके फोन में अगर ऑफ होगा तो इसको भी ऑन कर दीजिएगा, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है इंटरनेट में और वॉइस कॉल में, दोनों में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, तो इसको भी ऑन करके रखिएगा। अब आपको मैं नेक्स्ट सेटिंग बताता हूँ, उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको अपने मोबाइल के डायलर को ओपन कर लेना है, और डायलर को ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर टाइप करना होगा एक नंबर जो मैं आपको डिस्प्ले पर शो कर दूंगा, *#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 
मैंने यहाँ पे सिम इन्फॉर्मेशन टू पे क्लिक करूँगा क्योंकि मैं सिम कार्ड टू पे यहाँ पे सिम लगाया हूँ, ठीक है। तो अगर आप सिम वन पे लगाए हो तो सिम यहाँ पे फोन इन्फॉर्मेशन वन पे क्लिक करिएगा, तो मैं टू पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ से स्क्रॉल करके एक सेट प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके यहाँ से LTE ओनली को सिलेक्ट कर देना है और स्क्रॉल करके यहाँ पे अपडेट एंड रिफ्रेश कर देना है। बस आपका इतना करने के बाद में काम खत्म है और आपका बहुत ज़्यादा इंटरनेट स्पीड होने वाला है, आप चला करके देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम आता है तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि लास्ट तक देखिएगा, आपको मैंने एक वीडियो में बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताया, 7 सेटिंग्स मैंने आपको बताया जिससे आप बहुत ही ज़्यादा इंटरनेट को फास्ट कर सकते हो। तो उस वीडियो को आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो, कहीं पर आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर से देख लीजिए, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम इंटरनेट प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।